का इस प्रोग्राम में क्या खास रहा है? आज इंडिया जनशक्ति पार्टी के माध्यम से जो पूरे भारत देश में गरीब एवं सामान्य परिवारों को सस्ते रेट में खाद्यान्न वितरण करने के लिए जो योजना चलाई जा रही है, उसके विस्तार के लिए एवं पार्टी के विस्तार के लिए आज मीटिंग बुलाई गई है। ये योजना और इंडिया जनशक्ति पार्टी का विस्तार मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिलहाल और पंजाब में भी ये पार्टी का विस्तार किया जा चुका है और योजना के सेंटर भी ओपन किए गए हैं। योजना का सेंटर ओपन करने का उद्देश्य है इंडिया जनशक्ति पार्टी को पढ़ाना और देश में धर्म निरपेक्ष राष्ट्र के निर्माण के लिए जनता को जोड़ना। हमारा उद्देश्य है देश के गरीब नागरिकों को, सामान्य परिवारों को सस्ते रेट में खाद्यान्न मिले और इसके लिए ये योजना चलाई गई है। यदि इंडिया जनशक्ति पार्टी किसी भी राज्य में सत्ता में आती है या भागीदारी से सरकार बनाती है किसी पार्टी के साथ में, तो इस योजना को सरकारी योजना बना करके उस राज्य में जितना टैक्स हमारी भागीदारी से जो जिस राज्य में सरकार बनेगी, हमारे मंत्रिमंडल में जितना टैक्स आएगा, इन्हीं गरीब परिवारों को काफी छूट दे करके खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। हमारी ये बैठक है, ये महाराष्ट्र से हमारे आतिश कदम जी और अरविंद आर सिंह और उनके साथ में तेजस जी आए हुए हैं। इनको महाराष्ट्र का कार्यभार दे रहे हैं। अभी कुछ हमको शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं महाराष्ट्र से, खाद्यान्न वितरण को लेकर के भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और पार्टी विस्तार को लेकर के भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उस शिकायत का आज निवारण भी किया जाएगा और नए सिरे से इंडिया जनशक्ति पार्टी का विस्तार किया जाएगा और भारत जन कल्याण योजना का खाद्यान्न सुचारू ढंग से चलाने के लिए ये मीटिंग बुलाया गया है। और किन-किन मुख्य देशों को लेकर आपकी पार्टी आगे कार्य करेगी? हमारा देश के नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार दिलाए जाने के उद्देश्य को लेकर हमारी पार्टी कार्य करेगी। जैसे आप देख लीजिए, पूरे भारत देश में मौलिक अधिकार ये होता है, जैसे स्वच्छ जल, स्वच्छ हवा हमारा मौलिक अधिकार है, इसको बिक्री नहीं होना चाहिए। जैसे देश में 20 रुपए की जो बोतलें बिक रही हैं, सरकार को इसको लगाम लगाना चाहिए। ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये बिकना नहीं चाहिए। हमारा उद्देश्य है कि सस्ता खाद्यान्न ये जीवन जीने का अधिकार है, पानी हमारा जीवन जीने का अधिकार है, ऑक्सीजन हमारा जीवन जीने का अधिकार है, ये सब उनको कम से कम कीमतों में मिले। कुछ जो हमारे काफ़ी उपयोगी चीज़ें हैं, जैसे पानी है, ऑक्सीजन है, ये फ्री में वितरण किया जाए, इसके लिए हमारी पार्टी कार्य कर रही है।